हेलो दोस्तों, जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा पराशर दाब क्या होता है। तो पराशर दाब को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं पराशर क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पराशर क्या होता है, किसकी समझेंगे पराशर क्या होता है। पराशर क्या होता है, जब कोई ब्लैक जैसे देखो इस टैंकी में क्या है, ब्लैक है और वो भी कैसा है, तनु है। जब कोई ब्लैक तनु से सांद्र की ओर बहने लग जाए, जब कोई ब्लैक जो है यहाँ से सांद्र की ओर, जैसे यहाँ पे कोई सांद्र पदार्थ है, क्या है, कोई सांद्र पदार्थ है। जब कोई ब्लैक तनु से सांद्र की ओर बहने लग जाए तो उसकी क्रिया को क्या कहते हैं, पराशर कहते हैं। क्या कहते हैं, पराशर कहते हैं। जब यहाँ से कोई ब्लैक और तनु है और यहाँ पे विलय होगा, यहाँ पे क्या होगा, विलय होगा, यहाँ पे क्या होगा, विलय होगा। जब कोई ब्लैक तनु से ये क्या है, विलय है, सांद्र विलय हो या विलयन भी हो तो यहाँ पे बहने लग जाए तो इस क्रिया को पराशर कहते हैं। और जब तक ये जो टैंकी है, तो क्या है, टैंकी है, और इसका पानी का लेवल यहाँ तक है, और इस जो ये वाली जो टैंकी है इसका पानी का लेवल यहाँ तक है, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, और ये पानी यहाँ तक ये पानी जो है यहाँ से बहेगा, इस टैंकी का यहाँ से लेवल है यहाँ से बहना चालू करेगा, और जब तक बहेगा कि जब तक दोनों के लेवल बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों के लेवल बराबर ना हो जाए, तो जो ब्लैक जब यहाँ से इधर की ओर बहेगा और जब तक बहेगा कि जब तक दोनों के लेवल क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, तो उस क्रिया को पराशर कहते हैं। और जो पराशर की क्रिया को रोक लेता है उसे पराशर दाब कहते हैं। पराशर दाब क्या होता है, जो पराशर की क्रिया को रोक लेता है उसे पराशर दाब कहते हैं। जो पराशर की क्रिया को रोक लेता है उसे पराशर दाब कहते हैं।